दोस्तों आज हम बात करेंगे तीन ऐसे पालतू जानवर जो अपने ही मालिक को खा लिया। नंबर वन, दोस्तों मेरियस नाम का एक आदमी साउथ अफ्रीका के जू से 5 महीने का एक हिप्पो का बच्चा पालने के लिए लाता है और करीबन 5 साल तक उसे अपने संतान की तरह पालता है। लेकिन एक दिन अचानक वो हिप्पो मेरियस पे हमला कर देता है, जिसके बाद मेरियस का डेड बॉडी उसी के तालाब से रेस्क्यू किया जाता है। बताया जाता है कि अफ्रीकन एनिमल अथॉरिटी के द्वारा मेरियस को कई बार उस हिप्पो से सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन मेरियस कभी उन बातों की परवाह नहीं की। नंबर टू, पाइथन। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक कपल को पता नहीं क्या सोचता है कि वो सबसे छुपा के एक पाइथन को पाल लेता है। एक रात छुपके से वो पाइथन अपने पिंजरे से निकलकर उसके 2 साल की बच्ची को निगल जाती है, जिसके बाद कोर्ट द्वारा बच्ची के माता पिता को 35 साल की सजा हो गई थी। नंबर थ्री, कमोडो ड्रैगन। एक दिन रोनाल्डो नाम का एक व्यक्ति जंगल से कमोडो ड्रैगन का बच्चा उठा के लाता है और उसे अपने ही घर में पाल लेता है। दरअसल वो सबको ये दिखाना चाहता था कि उसके पास सबसे अनोखा पालतू जानवर है, लेकिन उसे क्या पता था कि लोगों को दिखाने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा बैठेगा। एक दिन रोनाल्डो गायब हो जाता है। फिर जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, तब तक कमोडो ड्रैगन उसकी आधी बॉडी को खा चुका था। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।